नमस्कार, मैं राकेश पांडे सागर दर्शक न्यूज से। आज मैं यहां आया हूं मुंगावली के पास, ये बिलेरो गांव और अशोकनगर जिला है। वहां पर पंडित जी श्री शंकर जी भगवान का अभिषेक करवा रहे हैं। आज पंडित जी से बात करते हैं, अभिषेक कैसे होता है और क्यों करवाते हैं। आइए, आपका एड्रेस। मेरा नाम है पंडित रूप नारायण तिवारी, राधे राधे महाराज के नाम से जानते हैं सभी लोग। और जैसे कि आपने कहा कि अभिषेक क्यों कराते, इससे क्या मिलता है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का घर घर अभिषेक होता है और भगवान से जो भी मनोकामना के लिए जो अभिषेक करते हैं वो मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। अभिषेक अनन्य प्रकार से होता है, एक नमक चमक से भी होता है, एक रुद्री पाठ से भी होता है, जिसमें जैसे दूध से भी करते हैं, दही से, पंचामृत से, घृत से, इनके अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। और पार्थिव शिवलिंग माने मिट्टी की शिवलिंग की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, जैसे माँ पार्वती ने भगवान को पाने के लिए मृतिका की मूर्ति बनाकर भगवान की पूजन की और भगवान को पा लिया, उसी प्रकार मनुष्य भी पृथ्वी लोक पे भगवान से निवेदन करता है, प्रभु आपका हम पूजन पाठ कर रहे हैं तो हमको आपके दर्शन मिल जाए, हमारा मोक्ष हो जाए। जैसे जिसकी मनोरथ होता है वैसे वो फल भगवान से मांगता है। तो अभिषेक कब कब होता है और कब कब कराना चाहिए? अभिषेक तो प्रभु की भक्ति है और इसको ऐसा नहीं है कि कब कब कराना चाहिए। जब प्रभु की कृपा हो जाए, जब मन बन जाए, तब भगवान का अभिषेक। वैसे सावन का मास जो है भगवान भोलेनाथ का बहुत प्रिय मास है, जैसे वैशाख है और हमारा भाद्रपद में भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है। सावन के महीने में सब लोग करते ही हैं, शिवरात्रि पे होता ही है, सभी पता है। तो भगवान शिव तो बड़े आनंदमय हैं और जो चाहते हो वो देने वाले हैं। शिव परिवार में कौन कौन आते हैं? शिव परिवार में जैसे परिवार तो 5 सदस्यों का है भगवान भोलेनाथ का, परंतु उसमें 8 मूर्ति बनती है। जैसे हमारे गणेश जी, कार्तिक जी, वीरभद्र जी, कार्तिक स्वामी जी, कीर्तिमुख जी, कुबेर जी, माँ गौरी, नंदी भगवान और हमारे भोलेनाथ और शेषनाग, ऐसे 8 मूर्ति बनाई जाती है। और जो रुद्र लगाते हैं साथ में वो रुद्र जो रहते हैं ना, भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। जैसे संख्या बनाते हैं कि 1100, 1,25,000, ये छोटी छोटी रुद्री बनाकर भगवान के आसपास विराजमान की जाती है, वो भी भगवान शिव का ही स्वरूप होता है। तो अभिषेक में जो पीठें बनाई गई हैं, जैसे सर्वतोभद्र है, सदगृत मात्र का 64 योगिनी, इनकी भी पूजन होती है? हाँ, ये प्रतिदिन पूजन होता है। ये जैसे अपन यज्ञ करते हैं तो यज्ञ मंडल बनाते हैं, तो उसी प्रकार जहाँ भी कार्य अनुष्ठान किया जाता है इनके बिना अनुष्ठान अधूरा रहता है। जैसे इसमें सर्वतोभद्र मंडल की पूजन की जाती है, सप्तरक्त मातृका की, षोड़श मातृका की, 64 योगिनी की ज्योति जलाई जाती है, क्षेत्रपाल भगवान का भी पूजन, नवग्रह भगवान का पूजन। अब हाँ, ये महत्व होता है जिस देवता का पूजन होता है उसको प्रधान माना जाता है। जैसे विष्णु यज्ञ में सर्वतोभद्र मंडल होता है और शिव पूजन में चतुर्लिंग भद्र मंडल प्रधान होता है, ऐसे जिस प्रधान भगवान का पूजन होता है वो प्रधान मंडल बनाया जाता है। ठीक है, आइए हम जो जजमान जी शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। आपका पूरी आ जाओ, मुड़ जाओ। आपका नाम? मोहन सिंह दांगे। कहाँ से? ग्राम बिलेरु। जिला क्या लगता है? अशोकनगर। तो आप कब से कब से शंकर जी का अभिषेक करा रहे हैं? कितनी बार करा चुके? हम 15-20 बार करा चुके हैं। आपको कैसा लगता है शंकर जी की पूजन? शंकर जी के आराधना करने से कृषक को पूर्ण शांति मिलती है। कृषक को? हाँ। और जो कोई करा लाए उसे भी मिलेगी, बहरहाल किसान है तो कराना ही चाहिए। जी। और बताएं शंकर जी के बारे में, आपको कैसा लग रहा है? भोलेनाथ हमें तो जैसी कृपा कर दें। अच्छा, 4-5 बार करा चुके आप? ज़्यादा ही कराते हैं, 10-11 साल तो पहले लग रहा ही करा है हमने। अब हमारे गुरु जी शांत हो गए थे इस पर नहीं। 32 साल हो गए। आपका नाम? जी, मेरा नाम मनोज दांगी।
कब से करा रहे भगवान का अभिषेक भोलेनाथ का? जी मैम, परिवार में हो रहा है पिछले जब से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी समय से हो रहा है। मैं तो कभी कभी ही रह जाता है, बड़ा रोज हर साल ही करवाते हैं। और शिव का अभिषेक तो मेरे जन्म से पूर्व मेरे घर में जी हो रहा है, काफ़ी समय हो गया है इसको। ठीक है, राकेश पांडे, सागर दशतक न्यूज़।